दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी तक जारी है। इस बीच भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिला। आज फिर से 19,000 से ज्यादा केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 19,725 नए मामले दर्ज किए गए। ये मामले शनिवार की तुलना में कुछ अधिक है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 53 मरीजों की जान चली गई। देश में कोविड-19 एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,26,035 पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना मरीजों में से 68.91% नए केस इन 5 राज्यों से सामने आए, जिनमें सिर्फ केरल में 18.57% नए मरीज मिले, जबकि देश में पिछले 24 घंटे में 53 मरीजों की जान चली गई। अब तक कोरोना से कुल 5,26,035 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कोविड से रिकवरी रेट 97.51% है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 16,253 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इस लिहाज से अब तक 4,29,54,925 मरीजों ने कोविड को हराया। वहीं पिछले एक दिन में कोविड के एक्टिव केस 2,723 बढ़कर देश में पिछले 24 घंटे में 13,26,524 वैक्सीन की डोज दी गई, जबकि 4,58,101 सैंपल कलेक्ट किए गए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।